नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु जीवन चर्चार अनेक प्रश्न को नहीं एवं तार समाधान को नहीं आमर यह स्वतंत्र कार्यक्रम जीवन जिज्ञासा स्वागत जनाऊँ मु आयुष्मान तेबे मनरे आउ एक जिज्ञासामूलक प्रश्न आसी तार अति सरल भाव समाधान रखापी आम सहित उपस्थित अच्छा विशिष्ट ज्योतिर्विद एवं वास्तुविद पंडित श्री चित्तरंजन महापात्र आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। अनेक समय रे देखीचु बहुत लोक निज घरे ठाकुर घरे रखी था हाथी गोटे प्रतिमूर्ति तेरे हाथी प्रतिमूर्ति घरे रखा द्वारा कि ठाकुर घरे रखा द्वारा कि शुभफल सब प्राप्त हुए देखा तो गजानन गज गज कहले हस्ती हाथी एक एमती एक प्राणी जहाँकि आम धन अर्थ को बुझे थाए एवं महालक्ष्मी सी अति प्रिय अटे जी हाथी तो निश्चित भाव कही रखा जो मानकर धनर अभाव रोचे अर्थर अभाव रोचे जो मैंने घरे सुख शांति चाहते निज पूजा घरे हाथीर प्रतिमूर्ति पूजा कले बहुत शुभफल मिलता है किपर पूजा कले रखी कही रखा हाथी आपड़ा हाथीर शुंड गोटे तलू थी गोटे शुंड टेकिला भाया थी यही प्रकार प्रतिमूर्ति आपड़ विशेष भाव देखुवे तो कौटा आप ठाकुर घर पूजा करिबे जो प्रतिमूर्ति शुंड तलू थी सहीटा आपण पूजा घरे व्यवहार करिबे बा पूजा करिबे केमी पूजा करिबे कौन पूजा करें ताबी मत कही रखुचे देखिबे आपण ठाकुर सिंहासन करवा तले ठाकुर रखिंट जमीती भी रखिंट ठाकुर दि सैड्रे बाम डाण करी जोड़िए हाथी रखिए गोटे हाथी के रखे पूजा करेंगे ना जोड़िए हाथी प्रतिमूर्ति रखिए प्रतिमूर्ति रखी पूजा करूँ देखिए आपणकर धनर अभाव दूरीभूत होब तत्सत कही रखी किपर कही रखी शुंड सब तलू थी प्रकार हाथी प्रतिमूर्ति बा मूर्ति रखिले विशेष भाव आपणकर घरे अर्थ बा लक्ष्मी कृपा बा अभाव दूरीभूत हो थाए भग्न हाथी जदि से हाथी पूजा करुंट कौन सी जगार गोटे खूण है भांगिगला त्रुटि साथी साथ चेंज करेंगे नूतन प्रतिमूर्ति आनी रखी पूजा करेंगे आप प्रकार पूजा करेंगे ताकि जानवा आवश्यक अटे आपटी प्रतिमूर्ति पूजा करेंगे ना आप पीतल प्रतिमूर्ति पूजा करेंगे ना तांबर प्रतिमूर्ति पूजा करेंगे जहाँ भी पूजा करूँ जो प्रतिमूर्ति पूजा करूँ कि आवश्यक बारण ना कि सब मनरे रखिए ता 8 इंच तलू रवश्यक अटे बा 10 इंच तलू ऊर्ध न होगा आवश्यक अटे 9 इंच 10 इंच ऊर्ध न होगा आवश्यक अटे तो यहाँ मन भर सब ध्यान रखिए तो यही प्रकार प्रतिमूर्ति रखी ठाकुर घरे पूजा करेंगे आ विशेष भाव लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने विशेषकर जो प्रतिमूर्ति रखुच्च हाथी प्रतिमूर्ति रखुच्च सब सिंदूर चंदन दे हलदी रंगर वस्त्र पिंधे पारे हलदी रंगर वस्त्र पिंधे पारे हलदिया फूल फूल अर्पण करें प्रकार करने द्वारा देखिए आप जीवन में अर्थर अभाव दूरीभूत हो निश्चित भाव एमती आप गोटे ठाकुर घरे हाथी प्रतिमूर्ति पूजा कले आती प्रतिमूर्ति रखी पूजा कले कि शुभफल प्राप्त हुए संक्षेप आपको आलोक प्राप्त कली अर्थ विशेषकर अर्थर अभाव दूर हाँ आज्ञा फाइनेंशियल कंडीशन आपंकर गोटे अर्थर अभाव अनाटन आप दूरे आज्ञा तत्सत आउ गोटे मतलब ये कही रखी जार छुआ पिलार असुविधा रही सतान पाइबा निसंतान अच्छा से हाथी प्रतिमूर्ति पूजा करें आउ कौट रखी पूजा करेंगे जदि आप ड्रइिंग रूम रखुंट गोटे हो कि जो सब देखिए गोटे हाथी प्रतिमूर्ति के रखिए ना जोड़िए हाथी प्रतिमूर्ति रखिए ड्रइिंग रूम आप पकईंट सोफा सोफा पकेबार सोफा दि सैड्रे दीटा आप रखे कितु सब मार्क करेंगे दि सैड्रे दीटा हाथी रखुच्च ड्रइिंग रूम शुंड उपरकू थ दरकार शुंड उपरकू थी दरकार से हाथी गुटी को पूर्वामुख कर रखिए पूर्वपट मुख कर रखिए तो रखिले या द्वारा कौन कर जो मैंने कौन फायदा पाए ताबी आपको कही रखुच जो गेस्ट आसर को कौन से गोटे आलोचना करुँच कौन से गोटे मीटिंग करुँच
ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଝିଅକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖା ଚାହିଁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ରହିବ। ତତ୍ ସହିତ ଏଇ ହାତୀର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ ଯଦି ଅଫିସ୍ ଟେବୁଲର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢ ଉପରକୁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆପଣ ଟେବୁଲର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା ରଖନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଅଫିସ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଡିଲ୍ ପାଇଁକି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯଦି ଆପଣ ଫେବରରେ ସେ ଲୋକ ଯିବ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଗାଈର ହାତୀର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇଁକି, ଆପଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ବିଶେଷ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି କହିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସଂଶୟ ଥିଲା ହାତୀର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକି ତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିବ। କିପରି ରଖିବେ, କେଉଁଠି ରଖିଲେ କିପରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଆମକୁ ସେଇଟା ବତେଇ ଦେଲେ। ତେବେ ପୁଣି ମନରେ ଏକ ଜିଜ୍ଞାସାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ଫେରି ଆସିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଛି, ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।